महकने लगी है। ओ, 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 दिल के धड़कने की घड़ी है। Very soon you will be with me. क्या ग्रेफिया मारता है ये, हर जगह बकबक करता, हमारे पीछे चला आता है। Come inside. Come with me. सारी दुनिया ही मेरे पैसों पर पल रही थी, एक ना पल सकी तो मेरी एक बेटी नहीं पल सकी। आप लोग बच्चे की कब्र के लिए जगह चाहिए। मिल जाएगा साहब बहुत जगह, कोई हादसा वादसा हुआ। कानून के साथ हेरा फेरी नहीं हो सकती। इस पेशे में हमसे बड़ा वकील कौन हो सकता है। हलीमा बेटी, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई हमारी बात नहीं सुनता है। डॉक्टर साहब, मैंने तो 3-4 दफा फोन किया, कोई फोन ही नहीं उठाता। डेट तो यही है, अब मैं सरकारी तौर पर विजिट तो नहीं कर सकती। आपको बता रही हूँ कि आपको इतला देनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब, वैसे कानूनी तौर पे तो उनको हमें बताना चाहिए ना। हो सकता है कि वो वाकई खाने पे गए हों। हो सकता है डॉक्टर साहब, लेकिन वो इस हाल में खाने पे कैसे जा सकती हैं। बहरहाल आप उनका पता करें। डॉक्टर साहब, आप अस्पताल फोन करके चेक करें कि उसके नाम का कोई मरीज तो नहीं आया। हाँ ये सही है, आप फोन मिलाएं, मैं बात करती हूँ। हाँ ठीक। है ले। हेलो, घंटे गुजर चुके हैं। क्यों परेशान होती हो, अल्लाह खैर करेगा। मैं उसे अंदर जाकर देखूं, अंदर जाने भी तो नहीं देते। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उन लोगों को पता न चल जाए। ये कोई इतना मशहूर हॉस्पिटल नहीं है। बैठा हुआ है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। और माशाल्लाह सेहतमंद भी है। डॉक्टर साहब, मैं उसे देख सकती हूँ। थोड़ी देर में आप लोग देख सकेंगे उसे। क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूँ। नहीं, एक दो दिन आप लोग उसे यहाँ रहने दें ताकि किसी को पता ना चले। और बाकी जो मैंने आपसे कहा है, डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार है, जिसको बुलाना है आप बुला लें। एक दो दिन, लेकिन एक दो दिन तो बहुत हो जाएंगे। वो ज़रूर इन दिनों में किसी लेडी डॉक्टर को भेजेंगे मारिया का चेकअप करने के लिए। नहीं, आप फिक्र ना करें, हमारा हॉस्पिटल महफूज है, 12 हमारे गार्ड्स हैं। रिसेप्शन पे जो भी आता है मुझे इतला दी जाती है। लेकिन सर, हमारा और हमारी बेटी का घर पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। आप एक काम कर दें, आप अभी ऐलान कर दें कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, वो आके रिकॉर्ड चेक कर ले। लेकिन हम उन्हें कैसे बुला सकते हैं, मुर्दा बच्चा भी तो होना चाहिए कि नहीं। हमारा रिकॉर्ड तैयार है, आप एक दिन का वक्फा दे दें कि बच्चे का दफनाना फौरी जरूरी था। और ये असूल की बात है कि मुर्दा बच्चे की न कोई इंदराज, न कोई नाम और न कोई नमाज होती। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, हम 6 घंटे बाद उन्हें इतला करते हैं। क्या ये जरूरी नहीं था कि हम उन्हें बता दें कि हम फला हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ, उन्हें 2 घंटे बाद इतला दें कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं। आप सीधी इतला दें कि बच्चा मुर्दा था, इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाना, इसकी इतला देनी जरूरी नहीं होती। ठीक है, हम उन्हें इतला कर दें। हेलो, हाँ राफिया, क्या हुआ। क्या वो घर पर आई हुई है, लेडी डॉक्टर भी साथ है। एक मिनट होल्ड करो। किसका फोन है। वो राफिया का फोन है, शहनाज और लेडी डॉक्टर घर पर पहुंची हुई है और पूछ रही है कि मारिया कौन से हॉस्पिटल में। हेलो, हाँ तुमने उन्हें कहना है कि शदीद किस्म की इमरजेंसी है, अभी तक कुछ पता नहीं कि कौन से हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, सब संभाल लेना। ओके,
बस ये 3-4 घंटे गुजर जाए, दफनाने का वक्त गुजर जाएगा। देखिए कब्र तैयार है, बस ये वक्फा जरूरी है। चलो, मैं उसे अभी चलो तुम। ओके, अल्लाह हाफिज आंटी। वो रास्ते में किसी ट्रैफिक में फंस गए, पता नहीं कौन से हॉस्पिटल लेके जाना है। तू मुझे बेवकूफ समझती है? मैं पागल हूँ? शक्ल पे नजर आता है कि मैं पागल हूँ? बता मुझे कहाँ गए, नंबर दे मुझे। आंटी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। और मुझे पता है, तुझे पता है किस अस्पताल गए? वो तो कानूनी तौर पर सरकारी अस्पताल भी जा सकते हैं। लेकिन आंटी मैंने आपको बताया है, इस वक्त सरकारी गैर सरकारी की बात नहीं है। लड़की की जान खतरे में थी, उसे अच्छे हॉस्पिटल लेके जाना था। ले, अजीब बात है, जब हमारी डॉक्टर ने उसको चेक किया था उसके दिन पूरे हो गए थे, बिल्कुल ठीक थी। क्या हो गया, तुम लोगों ने क्या किया उसको? दरअसल वो सीढ़ियों से फिसल गई थी, बहुत दर्द हुआ इसलिए लेके जाना पड़ा। आप फोन करके इन्हें इत्तला भी दे सकती थी। हम तो खुद आए कि अब दिन पूरे हो गए, जाके बच्चे को देख आए। तुम फोन करके पता करो किधर है बच्चा। आंटी हमारे घर इमरजेंसी बनी हुई है, मेरी बहन की जान खतरे में है, और आपको अपने बेटे की औलाद की फिक्र है? बेटे, हम हैं पैसे वाले लोग, तेरे बाप की तरह रिश्वत का पैसा नहीं है हमारे पास। वो 100 खर्चेगा, हम 1000 खर्चेंगे, समझ आई है तुझको? ओ बच्चा संभाल के नहीं रख सकते तुम? बस आंटी पैसे का दोष मुझे मत दे, आपका पैसा हराम का पैसा है जिसने आपके बेटे को बिगाड़ के रख दिया है। और मुंह संभाल के बात कर, ओ तेरी बहन हमारे बच्चे की आया बन के रहेगी। हाँ जी, कोई चलाकी नहीं चल सकती, समझ आई है? चल नंबर दे मुझे, मैं बात करूं। मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, आप सीधी अदालत जाए, हम किसी के पाबंद नहीं है कि आपको हर बात की इत्तला दी जाए। वो हमारी बेटी है, किसी के गुलाम नहीं। डॉक्टर साहब बताओ, दाल में को काला है, बताओ ना। एक और मुहब्बत हो रही है, एक और मुहब्बत हो रही है। मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, आप सीधी अदालत जाए, हम किसी के पाबंद नहीं है कि आपको हर बात की इत्तला दी जाए। वो हमारी बेटी है, किसी के गुलाम नहीं। डॉक्टर साहब बताओ, दाल में को काला है, बताओ ना। आप अपने वकील को बुलाएं, हमारे मेडिकल प्रोफेशन में बच्चे बदल दिए जाते हैं, मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा बना दिया जाता है। ये सब आप लोग करते होंगे, आप लोग यहाँ से जाते हैं वरना। और चुप कर जा, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, और मैं देख लूंगी तुम्हें और तुम्हारे खानदान को देख लूंगी। आंटी देख बस लूंगी। चलो डॉक्टर, बड़े आए। मुर्दा बच्चे के पैदा होने की गवाहियां, निशान अंगुश्त, शिनाख्ती कार्ड नंबर और वक्त सब कुछ तहरीर है इसमें। वकील साहब ये डॉक्यूमेंट्स भी हमारे वकील ने तैयार किए हैं, आप इन्हें वेरीफाई करके अदालत में पेश करें। और ये तस्वीर जिसमें बच्चे को मुर्दा जाहिर किया गया है, ओके? डॉक्टर साहब ये तस्वीर आपने आज से पहले किसी अदालती कार्रवाई में पेश तो नहीं की? बिल्कुल नहीं, ये तस्वीर दोबारा किसी मकसद के लिए हमने एक्चुअल मुर्दे बच्चे के लिए है, हम इस तरह के रिकॉर्ड तैयार रखते हैं। फिर तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इत्तला कर देनी चाहिए, क्योंकि इतना वक्त तो गुजर चुका है कि बच्चे को दफनाया जा सके। इसके लिए हम यह सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि इस मुर्दा बच्चे को फौरन जमीन में दबा दिया जाए, क्योंकि इससे एक खास किस्म के वायरस फैलने का अंदेशा है। वैसे भी मुर्दा पैदा होने वाले बच्चे पर
चूंकि किसी का कोई कानूनी हक नहीं होता, इसलिए इसे किसी को दिखाने की कानूनी जरूरत भी नहीं है। तो फिर ठीक है, उस जगह की निशानदेही हम कर देंगे जहां बच्चे को दफनाया जाएगा। डॉक्टर साहब, लेडी डॉक्टर और गवाहों को अगर अदालत तलब करेगी तो मसला तो नहीं होगा। और फिर इसमें दिए गए शिनाख्ती कार्ड नंबर असली तो है ना? सब कुछ असली है, वो भी पेश होगी, मैं भी पेश होगा। ये जो रिकॉर्ड हमने आपको दिया है असल के मुताबिक है, डुप्लीकेट हमने आपको दिया है, असल हमारे पास है, कोई आकर चेक कर ले। वकील साहब, सुना है कि महमूद का वकील भी बहुत स्ट्रांग है। ये दो हाथियों की लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि नुकसान सिर्फ घास का होना चाहिए, अपनी प्यार ही बहुत है। आप फिक्र ना करें शकील साहब, इसमें नुकसान सिर्फ कागजों का ही होगा। आपको पता है कि इस तरह की इमरजेंसी में उसी हॉस्पिटल का इंतखाब किया जाता है जहां मां की जिंदगी को कम से कम खतरा हो, इसीलिए हमने डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल का इंतखाब किया। इस पहलू से तो हम जीते जीते हैं, क्योंकि अदालत ने यह हुक्म नहीं दिया है कि फलां अदालत होनी चाहिए, और अगर हुक्म दे भी तो हालात और वाकयात यानी सरकमस्टांसेस अदालती कार्रवाई पे हैवी होते हैं। भाई अंग्रेज ने तो क्या जुमला बनाया है कि अंडर द सच सरकमस्टांसेस इट वाज नेसेसरी टू डिसाइड। तो फिर ठीक है, मैं उन्हें इतला करता हूं जरा अफसोसनाक लहजा बनाकर, क्योंकि अपनी तो प्यारी बहुत। लेकिन शकील साहब, आप जरा साथ वाले कमरे में चले जाए ताकि अपने जज्बात का सही मानों में इजहार कर सके। अरे वाह, ठीक है। अब ये मामला ऊंचे लेवल पे डिसाइड होगा। मैंने गवर्नर के लिए क्या कुछ नहीं किया, और वो अब मेरे मुखालिफ ताजर ग्रुप को वफ्त बना के चाइना लेकर जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं प्रेसिडेंट तक बात करूंगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सवात और मालाकंड के लिए मुझे 20-25 लाख रुपए डोनेशन देनी पड़ेगी, मैं दे दूंगा, मगर मैं इनको नहीं जाने दूंगा। रखता हूं फोन। फोन पे फोन, आप भी ना, फोन सुनते हुए घर आते हैं, फोन सुनते हुए बाहर जाते हैं। मुझे तो लगता है कि फोन मेरी सौकन बन गई है। तुम्हारे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरे मुखालिफिन को टैक्स चोरी के इल्जाम में तो अंदर ना कर सका, उल्टा मेरे खिलाफ नोटिसेस भेजता रहा है। देखिए, ये तो पापा का काम करने का अपना स्टाइल है। मेरा भी अपना काम करने का स्टाइल है, मेरे काम रुकते नहीं है। वो जो इनकम टैक्स कमिश्नर की दहशत थी ना, वो अब खत्म हो गई है। एक और मुहब्बत हो रही है, एक और मुहब्बत हो रही है। देखिए, ये तो पापा का काम करने का अपना स्टाइल है। मेरा भी अपना काम करने का स्टाइल है, मेरे काम रुकते नहीं है। वो जो इनकम टैक्स कमिश्नर की दहशत थी ना, वो अब खत्म हो गई है। कब आएगी माँ तुम्हारी? आप मुझे कुछ बोलने देंगे तो मैं आपको कुछ बताऊंगी ना। वो मारिया का बेटा हुआ है। ये तो होना ही था। आहिस्ता बोले, दीवारों के भी कान होते। मैंने तो पहले ही कहा था, मुदी दो नंबर बिजनेसमैन है, मत करो शादी वहां पे, और बच्चा पालो तुम लोग। देखे, ये तो खुशी की बात है,
घर में रौनक आ जाएगी। और वैसे भी मुझे एक खिलौना चाहिए था, और आपको सियासत और पार्टियों से फुर्सत कहाँ? हम शहजादे हैं, हमारा जिंदगी गुजारने का अपना स्टाइल है। बस तुम इस गवर्नर को चेंज होने दो, फिर देखना। तो क्या आप गवर्नर बन जाएंगे क्या? मुझे ताने मत दो, मैं गवर्नर बन सकता हूँ। जहां लड़ना होता है वहां लड़ते ही नहीं है, हवाओं में लड़ते रहते हैं आप। मैंने तुम्हें अभी भी कहा है कि मुझे ताना मत दो, वो तो मुझे इलेक्शन का टिकट नहीं मिला, और आजाद हैसियत से लड़ने का मतलब है छड़ा छांट, ना आगे कोई ना पीछे कोई। आप सियासत से हटके कोई बात करें। अम्मी बच्चा लेके आ रही हैं। माँ आ गई। प्यारा बच्चा है, अल्लाह मियां ने तुम्हारे सबर का फल दिया है, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई। उधर तो सब ठीक है ना? सबसे छुपा कर लाई हूं मैं, किसी को पता नहीं चलने दिया मैंने, लेकिन शकील और मारिया अभी तक वहीं पर हैं। लगता है से भूख लगी है। चले अंदर चलते हैं। मुझे नहीं देखने, ये मुझे पता है बच्चा जिंदा पैदा हुआ था, किधर है बच्चा?